अलह 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 अंदर तकरीबन 600 दे 600 तो ज़्यादा नाम ने। जिस तरह इसकी कैफियत होंगी उसी तरह उसका नाम भी चेंज हो जाता। मिसाल के तौर पर मसलन जो अगर शेर नॉर्मल कैफियत अंदर है, मसलन अपनी कछार के अंदर बैठे और नॉर्मल कैफियत अंदर है तो उसनों असद कहते हैं, उसका नाम असद है। फरमाया जो अगर नॉर्मल कैफियत तो बाद अगे वो नीयत कर ले कि मैं हूँ शिकार करना है, शेर ये नीयत करे कि मैं शिकार करना है, तो फिर उसका नाम है जरगाम, उसनों कहते हैं फिर उसने जरगाम कर देने। जिस वक्त फिर वो चहलकदमी करता है, चलता फिरता अपनी कचार के अंदर, तो फिर उसनों जैगम क्या जाता है। जिस वक्त चहलकदमी करता है उसका नाम जैगम है। और फिर जिस वक्त शिकार ती वो नज़रा जमा लेंदा है कि मैं इस चीज़ का शिकार करना है, उसने नज़रा जमा लिया ने, जिस वक्त नज़रा जमा ली फिर उसनों गज़नफर किया जाता है। जिस वक्त वो शिकार नु दबोच ले, शेर दौड़िया और शिकार नु फड़ के दबोच लिया उसने, फिर उसनों हमजा कहते हैं। और जिस वक्त शिकार दा सांस रोक लवे, दबोच के शिकार दा सांस रोक लेंदा है, फिर उस वक्त उसनों अब्बास कहते हैं। ये उसकी कैफियत है। एक दफ़ा फिर तवज्जो दे नाल सुनना, जैसे ही शेर की कैफियत होगी नाम ही उसी तरह चेंज हो जाएगा। जो अगर अपनी नॉर्मल कैफियत के अंदर कशार के अंदर बैठा है तो उसनों असद किया जाता है। जो अगर वह नीयत कर ले शिकार दी तो फिर उसनों जरगाम किया जाता है। जो अगर वह चहलकदमी करे चले फिरे तो उसनों जैगम किया जाता है। और जदों वह शिकार की तरफ नजर जमा ले कि मैं शिकार ही करना है, फिर उसनों गजनफर किया जाता है। और जदों वह शिकार नु दबोच ले अपने पंजे च लै ले फिर उसनों हमजा किया जाता है। और जिस वक्त शिकार का सांस रोक लवे फिर उसनों अब्बास किया जाता है। फिर जिस वक्त शिकार नु रोक के शिकार दे दो टुकड़े कर दे फिर उस वक्त उसनों हैदर किया जाता है। फिर उसनों की किया जाता है, हैदर हैदर हैदर, फिर हैदर उसनों किया जाता है। ये है जिस तरह जिस कैफियत अंदर होगा उस नाम ही उसी तरह चेंज होगा, नाम ही उसका उसी तरह तब्दील हो जाएगा।